कयामत तो आने वाली है, उसके आने में कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राए तकब्बुर कतराते हैं, अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो, और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां से भटकाए जाते हो? इसी तरह वो लोग भटकाए जाते थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरतें बनाई, और सूरतें भी अच्छी बनाई, और तुम्हें पाकीजा चीजें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बाबरकत है। वही जिंदा जावेद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।